ट्रैवल मीडिया के साथियों से मेरा कहना होगा, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ही सवाल खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। अब अगर हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदगी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी उसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहां प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे समाजसेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहाँ मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, वहाँ बाजार समिति के चेयरमैन रहे, तो सारे लोग जानते हैं, उनके पिताजी भी इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे पिताजी अपने ज़िंदगी में 2006 में ही हम लोगों का मौखिक बंटवारा कर दिए थे, और 2011 में उसी छोटा भाई के द्वारा कोर्ट में, जो इसका मैं पेपर आपको दिखलाऊंगा, जो बंटवारा कर दिया गया, और 2012 में रजिस्टर्ड बंटवारा हम लोग का हो गया। जिसका रजिस्टर्ड बंटवारा 2012 में होता है, मौखिक 2006 में होता है, और ज्वाइंट फैमिली हमारा, हम चार भाइयों का फैमिली है, और उस परिवार में मैं बेटा हूँ, सदस्य हूँ, भाई है। मैं 1998 से जो मेरा ज्वाइंट फैमिली था, बता देना चाहता हूँ कि मैं बाहर किराए के मकान में रहता था, व्यापार करता था, और 2006 में जब पिताजी मौखिक बंटवारा कर दिए, तब हम गाँव में अपने 2007 में मैंने घर बनाया और उसका गृह प्रवेश किया। 2011-10 में विधायक बने, 12 में कोर्ट से बंटवारा हुआ, जिसका ये कागज है, और ये कागज क्लियर जो है आप लोग डेट नोट कर सकते हैं, 281/11-12 में प्रेमचंद लोकुर भंसला लाए ने केस किया मेरे पिताजी पर आपसी बंटवारा के लिए, जिसके तहत हम लोग को डिस्चार्ज के यहाँ से बंटवारा हुआ, जिस कारण से हम लोग सकुन चैन से अलग अलग अपने घर में परिवार में रहते हैं। जब सवाल अब रखा गया तो जवाब पूरा मिलना चाहिए। तो ये 2012 के बाद हमारा रजिस्टर्ड बंटवारा है, 2006 से मौखिक बंटवारा है, जो कहीं भी गांव के अंदर के कोई भी लोग आपको एक लेबर क्लास का लोग भी बता सकता है। 2012 के बंटवारा के बाद हमारे भाई के द्वारा अलग अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से उन्होंने जमीन खरीदा, जिसका ये रजिस्टर्ड के वाला है। 2014 यानी 4/9/2014 को वह व्यक्ति जमीन खरीदता है, जिस पर पैन कार्ड, आधार कार्ड इस पर दर्ज है, जो वो आपको दिखा रहे हैं, यानी 12 में बंटवारा होता है सरकारी रजिस्टर्ड, और 14 में वो जमीन खरीदता है। इस हमको कोई ये पैतृक संपत्ति नहीं हमारा, न इसमें कोई पुश्तैनी संपत्ति, न दादा न पिताजी का, ये उनका अपना पर्सनल। दूसरा मामला आता है कोर्ट में, केस होता है, जो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय जी के परिसर से दारू मिला है, पहला कानून का ये था। जो मेरा घर अहियापुर थाना में पड़ता है और जो घटना घटी वो बोचहां थाना का है, जिसका केस नंबर 298/20 है, बोचहां थाना में दर्ज है, जिसमें 13 लोगों पर FIR हुआ। ये 8/11/2020 नवंबर महीने का घटना है, उसमें FIR में 13 लोगों में मेरे भाई का भी नाम 10वां नंबर पर है, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है परिसर मालिक हंसलाल राय जी। और इस अनुसंधान में जो 13 लोग आए, 13 लोग जो आए, उसमें परिवहन विभाग से जांच में आया, और इस जांच में उस दिन जो लोग पकड़ाए हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें जो गाड़ी पकड़ाई है, जो अमरेंद्र कुमार जो स्कूल के संचालक हैं, कभी वो अपने आप का भाई प्रिंसिपल बोलता है, कभी संचालक हैं, चाहे टीचर है, चाहे मास्टर हैं, जो भी हो, उनके भाई के नाम पर गाड़ी है जो स्विफ्ट डिजायर है, जो गाड़ी वहाँ से रिकवरी होता है। जो अमरेंद्र कुमार है उनके नाम पर एक मोटरसाइकिल है जो 1196 नंबर की गाड़ी है, जो अमरेंद्र कुमार माता राजपरी सबरी देवी के नाम से है। उसके अलावा सबों का नाम इसमें दर्ज है, और
एक व्यक्ति अरेस्टिंग के दिन अमरेंद्र कुमार उस विद्यालय में अरेस्टिंग होता है, उनके रिश्तेदार दिलीप कुमार की भी अरेस्टिंग होती है और उनके साथ एक अजमेरी खातून जिस पर FIR में दर्ज है पति दिलीप कुमार, वो भी अरेस्टिंग होते हैं। अमरेंद्र कुमार जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूछे जिनके भाई को जो दारू बेचता है उनके भाई को बगल में बैठा कर प्रेस आज कर रहे थे, उनसे ये पूछा जाए स्विफ्ट डिजायर किसका है, मोटरसाइकिल किसका है, और वो दिलीप कुमार जो है वह व्यक्ति आपका रिश्ता में कौन लगता है, वो अमरेंद्र का रिश्तेदार है जो अय्यापुर थाना 09 में रहता है, वो बड़ा दारू माफिया है और वो दारू माफिया पर पहले से भी 3 केस दर्ज है, 6/18/19 मीनापुर थाना, 468 सरैया थाना, 420/18 फारूक थाना, और वो नया जगह असियाना खोजता है पोचहा में अमरेंद्र के माध्यम से क्योंकि रिश्तेदारी है, वो स्कूल एक के साइड में है, मात्र 4-5 कट्ठे का प्लॉट है, बाउंड्री किया हुआ करकट नुमा उसमें स्कूल है और शायद मेरे ख्याल से वो उसमें 4-5 क्लास तक की पढ़ाई होती है, कोरोना में बंद होते रहने के बाद वो ट्यूशन के लिए पढ़ाई के लिए जगह लिया था और किराया की बात जहाँ तक है 5-6 हज़ार सर किराया का बात था, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति से पूछा जाए, ये सारे लोग महागठबंधन के लोग हैं, उसमें जो FIR है वो अजमेरी खातून है, दिलीप कुशवाहा है, मुन्ना राय है, राम लखन राय, ये कौन लोग हैं जिसमें साक्ष के तौर पर ये सारे पेपर यहाँ पर आए हैं। दूसरा नंबर, अभी मैं गया तो सारे जानकारी मुझको था नहीं, लेकिन मैं जितना ऑफिस बंद था महाशिवरात्रि का निश्चय का भी कोर्ट बंद है, बार का भी बंद था, एक मेरे पास बड़ी मेहनत के बाद एक जो उन्होंने पिटीशन दिया है कोर्ट में अमरेंद्र कुमार ने, जिसके सर्टिफाई कॉपी भी सोमवार की जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको दूंगा, कोर्ट से अप्लाई कर दिया, बंद है, सोमवार को अप्लाई हो जाएगा। वह क्लियर लड़का लिखता है कि दैट द रियलिटी इज दैट द पिटिशनर इज ए टीचर बाय प्रोफेशन एंड ही रन्स ए स्कूल, वह खुद स्वीकार करता है कि हम प्रोफेशन से शिक्षक हैं, हम स्कूल चला रहे हैं और बाय द नेम ऑफ अर्जुन मेमोरियल स्कूल। तो मेरे कहने का मतलब मेरे स्वर्गीय पिताजी वहाँ के अच्छे समाजसेवी व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, उनके नाम पर कोई भी जब दुकान स्कूल कॉलेज खोलता तो चाहता तो बड़े लोगों के नाम पर खोले और मेरा वह संस्था अच्छा से अच्छा चले। वॉल्यूम नंबर 7 में लिखता है दैट द लैंड एंड बिल्डिंग वेयर द स्कूल ऑपरेट इज को ओन्ड बाय हंसलाल राय एंड संजीत कुमार एंड दे हैव गिवन द लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट टू द पिटिशनर आफ्टर मेकिंग प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट, यानी प्रॉपर एग्रीमेंट करके बिल्डिंग बना करके हमको देंगे, हम किराए पर चलाएंगे। वो व्यक्ति स्वीकार करता है, जिसका सर्टिफाई कॉपी मैं, ये आवेदन उसका है, मैं ला के दे दूंगा आपको, और कहीं से भी हमारा परिवार जो हम 4 भाई हैं, भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती है, मैं भाई से अलग हूँ, भाई तो मर जाएगा, जिंदा भी रहेगा तो भाई रहेगा, लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, जिन पर केस भी है, जेल में भी हैं, क्या वो रिजाइन देंगे? अगर उन पर तेजस्वी यादव पर केस है क्या उनके छोटे बड़े भाई तेज प्रताप रिजाइन देंगे? क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर या माताजी के नाम पर या दादाजी के नाम पर या दादी के नाम पर कोई विद्यालय स्कूल खोलता है उसके आप मालिक नहीं हैं तो क्या उस व्यक्ति पर FIR होगा? क्या स्वर्गीय उनकी दादी स्वर्गीय मरछिया देवी जी के नाम पर, मैं कहीं रास्ते में देखता हूँ कि बोर्ड लगा हुआ सोनपुर में, वो मोहल्ला है, क्या उस गांव में अगर दारू मोहल्ले में दारू पकड़ाता है तो क्या FIR तेज प्रसाद यादव पर होगा? मैं जानना चाहता हूँ कि लालू यादव के नाम से चौक पर ट्रक जो पकड़ाया, क्या तेजस्वी यादव जो दारू को भेज रहे हैं? ये जाँच का विषय है और मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरा परिवार न दारू पीता है, न पिलाता है, न दारू बेचता है, न बेचवाता है, हम लोग एक कृष्ण के वंशज हैं, गौ पालक हैं, आजीवन दूध बेचे हैं और आज भी मैं दूध बेच रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, आज भी मैं गाय पालता हूँ, आज भी मेरे पास 20-25 गाय भैंस है और उसको आज भी मैं दूध बेचता हूँ, और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा, भाई के द्वारा और मेरे द्वारा पुश्तैनी कमाई हम लोग का दूध का है, न कि जहर का। मैं स्पष्ट आपको शब्द में कहा हूँ, इसके अलावा आपको जवाब हो, एग्रीमेंट को भी सोमवार को आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा और सर्टिफाई को भी मिल जाएगा, वो तो खुद कह रहा है, इसमें खुद बयान दे रहा है और अब कहता है कि बयान बदल रहा, बिजली बिल की बात आ गई, उन्होंने आज मैं लेटेस्ट देखा हूँ वीडियो में कि बिजली बिल, तो क्या कोई व्यक्ति जमीन खरीदेगा
बाउंड्री करेगा तो पानी कहाँ से फटेगा? मोटर लगाएगा ना कि चोरी करेगा? मोटर लगाएगा तो उसमें बिजली कनेक्शन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और वो विद्यालय आप अपने चैनल के माध्यम से जाकर के देखिए वो कितना बड़ा विद्यालय है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने अच्छा। एक चीज बता रहे थे कि मैं नहीं चला रहा था, वो चला रहे थे। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा आप सब भाइयों से, उस विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभिभावक होंगे बिल्कुल, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जाके जांच कर लेना कि विद्यालय का पैसा कौन लेता था, मेरा भाई ले रहा था कि अमरिंदर ले रहा था कि हिस्सा बांट के दे रहा था। तो जांच का विषय है, तो बड़े से बड़े एजेंसी से जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जो व्यक्ति इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और हमारी सरकार एनडीए की सरकार दोषियों को बचाने का काम नहीं जेल भिजवाने का काम करती है। हमारी सरकार गुंडा को नहीं पालती है, गलत लोगों को प्रश्न नहीं देती है, ये हमारी सरकार की पहचान है। उनकी सरकार में उन लोगों को श्रेय मिलता था, गुंडों को पाला जाता था और वैसे लोगों को बचाने का काम किया जाता था। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दिया हूँ, फोटो दिखा रहे थे स्कूल में निश्चित। अरे भैया तो अच्छा मान लिया नेता है, खर्च करता है, मैं तो सैकड़ों जगह भाई का जवाब दे दे, फोटो दिखा रहा है उनके बारे में भी बोतल में फोटो चल रहा है, क्या बात सही है? सही है तो देख लीजिए। अगर मैं नेता हूँ सैकड़ों विद्यालय का उद्घाटन करता हूँ, सैकड़ों लोग हमसे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, वो क्या मैं दोषी हूँ क्या उस? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं है, उस दिन आपने विधानसभा में बयान किया था और फोटो चाहिए, वो 2017 की है, जब आपका उद्घाटन भाई बता तो रहा। तो मैं क्या उस उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा? मैं क्या किसी सार्वजनिक काम में नहीं जाऊंगा? मुझको तो जो भी बुलाए आप बुलाएंगे, मैं आपके यहाँ आऊंगा, मेरा तो काम है, मैं राजनीति कार्यकर्ता हूँ। सवाल ये है कि आपने कहा कि 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं है, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर केस हुआ, बंटवारा हुआ, आप एक बार उस स्कूल में उद्घाटन करने जाते हैं, दूसरी बात उसी स्कूल में आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में जाते हैं, बार बार एक ही स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल जो आपके पिताजी के नाम पे है, वो स्कूल जिसकी जमीन आपके भाई साहब के नाम पर है, आपने विधानसभा में कहा कि मैं जीवन से संन्यास ले लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, में क्यों नहीं जाएंगे? जो विद्यालय कोई चलाएगा, आप आज प्रेस में कोई संस्था खोलेंगे, क्या आप राम सोगरा से उद्घाटन नहीं करा सकते हैं? क्या आप विद्यालय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं जा सकते हैं? मेरा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में रहने का मेरा कर्तव्य बनता है, वही जब तक उस समय तो दारू नहीं बच रहा था। आज कोई अगर दारू बेचने वाला के व्यक्ति को बगल में बैठा करके वो बाइट दिलवाता है, क्या ये संरक्षण नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं मैंने क्या कहा, अगर गांव तो भाई का संबंध है, भाई मेरे पास आएगा, भोज होगा, न्योता होगा, कार्यक्रम होगा, आएगा, और कोई भी लोग कल भी मैं विद्यालय को उद्घाटन उसी की जगह करने जा रहा हूँ, अब हमारा क्या दोष है? हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह भी किया था ना उस भैया करना ही पड़ेगा, तो मैं तो करूँगा, मैं कोई प्राइज के लिए बुलाएगा तो मैं तो जाऊँगा, या उससे पहले ऑपरेशन कर लिया जाए कि आप सही हैं कि गलत हैं पूरा लेकर के तब हम जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे कार्यकर्ता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, मंत्री होने के नाते मुझको कोई भी बुला सकता है। हाँ, अब वो व्यक्ति दागी अगर अब हम जाते हैं तो हम दोषी, मेरा ये कहना सफल। भैया मैंने तो स्पष्ट कर दिया ना कि उनके रिश्तेदार दिलीप, वो बेचारा अमरिंदर एक गांव में घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाता था, वो उसके दादा सरजू भगत को मैं जानता हूँ, उनके पिता रघुनाथ भगत को जानता हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा के आने के बाद, बहकाव में आने के बाद वो जगह का उपयोग कर लिया और अजमेरी खातून उसकी जो तथाकथित पत्नी है उसके बहकावे में आके वो लड़का फंस गया, फंस करके ऑन स्पॉट उसकी मोटरसाइकिल, उसका गाड़ी, सब कुछ पकड़ा गया, और इस पर जाँच दिलीप कुशवाहा को होना, जिस पर 3,000 रुपये पहले से, और उसकी रिश्तेदारी है कि नहीं है, वो कैसे आया, ऐसा चैनल यही है, इस पर अनुसंधान किया जाए। ये गलत निराधार आरोप है मेरे पीछे, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कुछ नेता हमारे क्षेत्र के बेचैन हैं जिनकी राजनीति समाप्त हो गई, और वो तो 6 महीना पहले से लोग कहता है कि दारू बेचते हैं तो फलना चीज बेचते हैं, तो साक्ष ला के रख दे कि दारू बेचते हैं, एकदम निकलवा लिया जाए, निकलवा के फिर बुलवाया जाए, फिर मैं आऊंगा, मैं आपके सामने हमेशा उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और, आज सदन के अंदर, एक मिनट भैया, एक मिनट,
सदन के अंदर माननीय विधायक मसौली श्रीमती रेखा देवी शराब अधिनियम के तहत सदन का स्थगन का प्रस्ताव लाई थी। वह ऐसी व्यक्ति है जो अपने नॉमिनेशन में उन्होंने स्वीकार भी किया है और धनरुआ कांड संख्या 356-17 में शराब बेचने का आरोप उन पर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ये बताए जिस शराब के खिलाफ आप स्थगन प्रस्ताव ला रहे थे और रेखा देवी जी उठा रही थी उन पर धनरुआ में कांड दर्ज है, इसका कांड संख्या 356-17 है, कृपया उनसे आप पूछें क्या मामला है।